हेलो गाइज, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अर्जुना बैच किस क्लास के लिए है, लक्ष्य बैच किस क्लास के लिए है, लक्ष्य में बोर्ड का तैयारी होगा कि नहीं होगा। तो मैं सारे डाउट को क्लियर करूंगा और मैं आपको फैकल्टी का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि फैकल्टी जो है अब रिवील हो चुके हैं और आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने अब देख लिया होगा कि कौन कौन से फैकल्टी आपके बैच में पढ़ाएंगे। तो मैं फैकल्टी के बारे में बताऊँगा और कुछ बैच के कुछ मेजर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात है, मैं फैकल्टी का ही कर लेता हूँ कि हमारे लक्ष्य नीट में कौन कौन से फैकल्टी है। तो लक्ष्य नीट में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो हमारे मेरे बगल में दिख रहे होंगे मोहित दादी सर। अब जो लोग अर्जुना में थे पहले, वो तो इनके बारे में जानते हैं कि कितने लीजेंडरी टीचर थे, मतलब कि कोई इनका बात ही नहीं कर सकते। फिर हमारे हर्ष त्यागी सर, बाहुबली सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर हटाने वाले। मैं खुद अपना बात करूँ तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब मतलब बहुत सारा मैंने सीख लिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो डर नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही हम 11th में आते हैं तो हम ये सोचते हैं और सुनते हैं अपने सीनियर से कि बहुत हार्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे भी मन में ऐसा ही परसेप्शन था, और शायद जितने भी बच्चे होते हैं 11th में, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में यही परसेप्शन होता है, वही थिंकिंग होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब से हर सर पढ़ाना चालू किए तो बहुत आसान हो गया। मैं रिवीजन भी करता हूँ तो आसान लगता है। तो यस, आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि लक्ष्य में यही आ रहा है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर पंकज से जा रही है सर, इनका तो आप मोटिवेशन वीडियो देखते ही होंगे, और पढ़ाने का भी तरीका मैंने देख लिया है। कहाँ पे देखा है तो आपको खजाना फ्री मिला होगा अगर आप आपने मेरे वीडियो से विश्वास दिवस पर खरीदा होगा तो, चाहे विश्वास दिवस के अगर पीरियड में आपने खरीदा होगा तो आपको खजाना फ्री मिला होगा। तो वहाँ से मैंने देखा है पंकज सर का वीडियो, और ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद MR सर, इनका कोई मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो MR सर के बारे में नहीं जानता हो, या वो 10th का हो या 11th का या 12th का, MR सर के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इनके बारे में बात करते हैं। तो ये फिजिक्स पढ़ाएंगे। मनीष राज सर हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे लक्ष्य नीट बैच में। फिर रुपेश चौधरी सर, अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक सर ने को छोड़ दिया और 11th में अच्छे पढ़ाते थे तब 12th हम ले कि नहीं बैच, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एक टीचर के छोड़ने से यहाँ पे कोई कुछ नहीं हो सकता है। एक टीचर वो छोड़ गए तो उनसे भी बड़े बड़े मतलब लीजेंडरी टीचर हैं, और वो भी बहुत लीजेंडरी, मतलब उनसे मैं भी पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब मुझे भी लगा कि नहीं छोड़ना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी जो रुपेश चौधरी सर है, ये कोटा के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, और मतलब इनके पढ़ाने का तरीका आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इन्होंने फ्री लेक्चर कराया है यूट्यूब पर, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद समाप्ति मैम, ये हमको पढ़ाती थी लक्ष्य अर्जुना बैच में, और ये अब लक्ष्य बैच में पढ़ाएंगी, जूलॉजी पढ़ाएंगी। तो ये हमारे फैकल्टी हैं। बात करते हैं कि लक्ष्य नीट में बोर्ड का प्रिपरेशन होगा कि नहीं। तो लक्ष्य नीट में बोर्ड का प्रिपरेशन 100% होगा, क्योंकि जो टीचर यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाते हैं वही आता है। और लास्ट में आपको 5 टेस्ट भी दिए जाते हैं बोर्ड पैटर्न के बेसिस पे। अगर आपने फिजिक्स वाला का कल वीडियो देखा होगा तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे लास्ट में बोर्ड के पैटर्न पे। आप उसको अटेम्प्ट करके अपने बोर्ड के एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं, और जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा उसको आपको बस लिखना होता है, बोर्ड में ही तो होता है, और नीट में हमें न्यूमेरिकल देना होता है। बात करते हैं कि लक्ष्य JEE में कौन कौन से टीचर हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो लक्ष्य JEE के हैं वो हमारे पास राहुल डूडी सर हैं, जो कि बहुत अच्छे मतलब टीचर हैं, आप ये इनके यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि फिजिक्स वाला पे ऑनलाइन में, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में, और चाहे ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में लक्ष्य या अर्जुना या उड़ान या कोई सा भी बैच हो, प्रयास और कौन कौन या केन बैच, इन सभी बैचेज में कोई भी टीचर खराब नहीं, मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सपीरियंस ना हो। जो टॉप क्लास के टीचर होते हैं वहीं PW में आते हैं, और मुझे इस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उड़ान से पढ़ा हूँ 10th क्लास में, उसके बाद मैंने अर्जुना में पढ़ा 11th में, अब मैं लक्ष्य पढ़ रहा हूँ, और 12th के बाद हो सके तो मैं क्लियर कर लूँ एग्जाम। और फिर अब बात करते हैं मतलब IOC का, तो कोई भी टीचर यहाँ पे बैड नहीं है, सभी टीचर बहुत ही लीजेंडरी टीचर हैं। अब अमिताभ शर्मा सर हैं, ये कोटा में 23 साल से ऊपर से पढ़ा, 23 ईयर्स, जितने के आपका एज नहीं हुए उतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद अमित महाजन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सबका जो फोटो है वो मेरे बगल में दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद राजवंत सर, जो आदमी जो मतलब जो भी बच्चे वो पढ़े होंगे अर्जुना बैच में वो तो जानते होंगे इन सब टीचर के बारे में, ये जो मतलब एक दो टीचर इसमें नए हैं लक्ष्य बैच में। उसके बाद आशीष अग्रवाल सर, ये भी 20+ ईयर, मतलब कि ये तो खुद रैंकर्स हैं, और रैंकर प्रोड्यूस भी किया है, और रैंकर वाले कोचिंग में भी पढ़ाते थे,
और अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि आप किस टीचर से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक नीचे कूपन कोड दिया है, उसको जाइए यूज कीजिए और वहाँ से आपको 100 रुपये का डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब 4500 में बैचेज मिल रहे हैं क्योंकि विश्वास दिवस का जो पीरियड था वो एंड हो चुका है। और अगर आपको सारथी लेना है तो सारथी के लिए भी मैंने एक कूपन कोड दिया हुआ है, उस कूपन कोड को यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो यार बस अपने कंट्रोवर्सी में ना फंसते हुए, जो भी टीचर मिल रहे हैं उस पर भरोसा करते हुए हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।